हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में। यस बैंक में क्या यहाँ पे मोमेंटम किस ओर जा रहा है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टॉक में कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अगर हम 5 साल का चार्ट लगाते हैं यस बैंक का, तो यस बैंक का यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे कब बिट हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे एक कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। तो छोटा सा कप विथ हैंडल का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और इसका जो टारगेट है ये यहाँ पे, इसका हाईएस्ट पॉइंट पहले है यहाँ पे हमारा 24-25 के आसपास का यहाँ पे टारगेट पहला है यस बैंक में। और हमारा टारगेट है, आपका नहीं, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है। और अगर 1 ईयर का चार्ट लगाएंगे तो 1 ईयर में भी आपको क्लैरिटी यहाँ पे आएगी। अभी ये क्या बना रहा, पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन, ये यहाँ से पोल एक बना था और उसके बाद ये फ्लैग बन रहा है। पोल एंड फ्लैग का जो ब्रेकआउट होगा वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। 16-15 रुपये से कहाँ है, 15 रुपये या 16 रुपये कंसिडर कर ले, 16 रुपये से 21 रुपये तक मूव दिया था, उसके बाद अभी 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा। तो यहाँ पे 5 से 6 रुपये का मोमेंटम, यहाँ से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको दिखाई देती है यस बैंक में। अगर थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक का यहाँ पे जो टारगेट होगा, ये पहला टारगेट होगा कितना, 24 का। वीडियो अच्छा लगे तो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का जो टारगेट है वो मैं यहाँ पे 20 लाइक और 20 सब्सक्राइब का टारगेट रख रहा हूँ।